अनेकता में एकता ही हमारी शान है, इसीलिए हमारा देश महान है। इस महान देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का आरंभ माननीय प्रधानाध्यापिका महोदया श्रीमती ऋषिका बहल जी के इस संदेश से। भारत की मिट्टी के कण कण से जन जन का मन जुड़ा है। इसकी माटी में हमारी श्रद्धा है, इसके विरासत में हमारी आस्था। कितने रंग हैं यहाँ, कितने उत्सव हैं, तभी तो हमारा भारत देश महान है। रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, माय डियर टीचर्स एंड ऑल माय लविंग चिल्ड्रन, अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। आज के इस पवित्र दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई। हर साल हम स्वतंत्रता दिवस को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। भले ही आज हम सब हमारे विद्यालय के प्रांगण में एकत्रित नहीं हुए हैं, पर हमारे मन में वो जोश और भावना बिल्कुल वैसी ही है। डियर पेरेंट्स, आप और हम हमारे बच्चों के मन में हमेशा देशभक्ति की भावना भरने की कोशिश करते हैं। वी टीच देम दैट पेट्रियोटिज्म इज लव, रिस्पेक्ट एंड लॉयल्टी टूवर्ड्स वंस कंट्री। बट ड्यूरिंग दिस पैंडमिक, ड्यूरिंग दिस COVID-19 आउटब्रेक, ट्रू पेट्रियोटिज्म वुड मीन फॉलोइंग ऑल द हेल्थ गाइडलाइंस इशूड बाय द गवर्नमेंट। वेदर इट इज वेयरिंग ऑफ मास्क or maintaining social distancing, we as responsible citizens of this country have to abide by all the norms and teach our young future citizens to do the same. Together we can pledge to overcome this crisis. William Temple has rightly said, the most influential of all educational factors is the conversation in a child's home. We must talk to our children. We must discuss with them the importance of the national flag, the national anthem, and the national symbols. They must be aware of the rich heritage of this great country. This way, we can help them to be connected with the roots of the country and be better citizens of the future. After all, one's country is one's home. This is where we belong and this is where our heart is. Jai Hind, Jai Bharat. हम खुश नसीब हैं कि हमने स्वतंत्र देश में जन्म लिया। इसकी स्वतंत्रता के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने प्राण तक न्योछावर कर दिए, तो क्यों ना आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। इस 74वें स्वतंत्रता दिवस पर उन सेनानियों के बलिदानों और कार्यों को तो गिना नहीं जा सकता, पर उनमें से कुछ सेनानियों के बारे में कुछ खास बातें बता रहे हैं और याद करा रहे हैं कक्षा 1 के बच्चे। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं लाल बहादुर शास्त्री, मैंने अपने प्यारे भारत देश को आजाद कराने के लिए आजादी की लड़ाई में तन मन धन से साथ दिया। 15 अगस्त 1947 में देश आजाद हुआ। मैं आजाद देश का दूसरा प्रधानमंत्री बना। मैंने कृषि क्रांति और वीर जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए नारा दिया, जय जवान जय किसान जय हिंद। धन्यवाद। सुप्रभात।
मनु था। घुड़सवारी और तीरंदाजी हमारे प्रिय खेल थे। धन्यवाद। मैं बिरसा मुंडा। मैंने झारखंड के आदिवासियों को जल, जंगल और जमीन के महत्व को समझाया तथा अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन की, ताकि हम जल, जंगल और जमीन के सहारे खुली हवा में अपना जीवन जी सके। अपनी आजादी और अधिकार के लिए लड़ना ही मेरा परम धर्म है। मैंने नारा दिया, अब हुआ विश्व, अब हुआ राज, यानी हमारा देश, हमारा राज, और अंग्रेजों अपने देश वापस जाओ। बच्चों, और अब इस स्वतंत्रता दिवस के बारे में अपने विचार हिंदी में साझा करने आ रहे हैं कक्षा 2C से आरव और अनंत। माननीय गुरुजनों, अभिभावकों एवं मेरे प्यारे साथियों, 74वें स्वतंत्रता दिवस के अनोखे समारोह की संत माइकल्स प्राइमरी स्कूल बाजार की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं अभिनंदन। यह तो सभी जानते हैं कि लगभग 200 सालों तक हमारा देश विदेशी सत्ता का गुलाम रहा। देश के सभी वीर सपूतों ने मिलकर असीम बलिदान देते हुए 15 अगस्त 1947 को हमें गुलामी के चंगुल से मुक्ति दिलाई। तब जाकर हमने आजादी का जश्न मनाया। आज ही मना रहे हैं और आगे भी मनाते रहेंगे। भले ही हम आज पहले की तरह राष्ट्रीय ध्वज के नीचे एक साथ खड़े होकर राष्ट्रगान नहीं गा सकते हैं, सांस्कृतिक अनुष्ठान नहीं कर सकते हैं, परंतु इस बदलते परिवेश के अनुरूप खुद को बदल तो सकते हैं। आज विश्वव्यापी कोरोना महामारी ने जिस प्रकार सारे जगत में तांडव मचा रखा है और इसका भयावह परिणाम क्या हो रहा है, यह हम सब जानते हैं। हम यह भी जानते हैं कि इससे बचे रहने में ही मानव समुदाय की भलाई है। स्वच्छता और साफ सफाई इस महामारी से बचने का एकमात्र उपाय है, तो क्यों ना हम सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए मन से, वचन से और कर्म से भारत माता की सच्ची सेवा करें। आइए आज हम सब मिलकर प्रण लें कि जिस प्रकार हमने भारत माँ के वीर सपूतों का बलिदान व्यर्थ नहीं होने दिया, उसी प्रकार कोरोना वॉरियर्स उनके परिवार के परिश्रम, बलिदान, निस्वार्थ सेवा भाव को व्यर्थ नहीं होने देंगे। भारत को अधिक नई ऊंचाइयों पर ले जाना, आपसी भाईचारे एवं शांति को कायम रखने के साथ साथ इस महामारी से मुक्ति दिलाकर विश्व के सामने अपने देश की मिसाल कायम करना ही हमारा उद्देश्य होगा। हमें अपने तिरंगे की आर, बार और शान को, इसकी आभा को कभी कम नहीं होने देना है, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, यह गुलसिता हमारा। जय हिंद। जय
विचार साझा करने के लिए। आशा है हम सभी इन सभी बातों को याद रखेंगे। गंगा यमुना यहाँ नर्मदा, मंदिर मस्जिद के संग गिरजा, शांति प्रेम की देता शिक्षा, मेरा भारत सदा सर्वदा। और क्या शिक्षा देता है हमारा भारत? आत्मनिर्भरता। और आगे बता रहे हैं कक्षा एक के बाल कलाकार। जयतु भारतम्, जयतु भारतम्। विश्व प्रेम की बाढ़ चदरिया जगा हुआ भारत। विश्व प्रेम की ओढ़ चदरिया, विश्व प्रेम की ओढ़ चदरिया, सच्चे सुर में गाता है। एक सुरीली आशा लेकर सूरज नए उगाता है। विश्व प्रेमीर चादर ढेके शुद्धिर शूरे बांधाए, सिंधमिड़वानिल पुदिय पुर्विडियल आयरम आलव तोलिड़ुदे। विश्व प्रेमाची ओडुल चादर खरा सुरानी गाताए। एक सुरीने आशा लईने सूरज नमो गाड़े जे। जागा हुआ भारत है ये, जागा हुआ भारत है ये, जागा हुआ भारत है ये, जागा हुआ भारत है ये। जय तुझे तो भारतम्, वसुधैव कुटुंबकम्। प्राण मेरा तू ही मेरा मन, बस तू ही है प्रेम मेरा पहला और प्रथम। धर्मधात्री कर्मधात्री जन्मधात्री कई, मानवणुओ धारको से अंकित मौता। सुर अनेक स्वर अनेक एक है धड़कन, शब्द सारे भाव सारे है तुझे अर्पण। तमसो मा ज्योतिर्गमय अंधकार को जीते मन, यही प्रार्थना करता भारत विजयी भव मानव जीवन। विश्व प्रेम की ओर चदरिया, प्रेम की ओर चदरिया। प्यारे बच्चों, और अब इंग्लिश में अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं कक्षा 2A से कृतिका, कृतज्ञ और पंखुड़ी। Today we breathe in fresh air, have the freedom to make choices. We are citizens of a proud nation.
We are respected across the globe and are the next superpowers. All this is just possible because of our heroes who dreamt of independent India. They marched for justice and stood strong against all odds. India became independent on 15th August 1947. It was an historic event. Every year, the Independence Day is celebrated all over the country with great joy and pride. This day teaches us about the power of unity among Indians and how it can strengthen our nation. To sum it up, gaining independence from Britishers was not easy, and it's because of the struggle and hardship of the freedom fighters that we now live in a free country. On Independence Day, we remember the long battle that our freedom fighters fought and sacrifices that they made. Let's salute our freedom fighters and take a pledge that we will respect and protect our freedom. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you and happy Independence Day to all of you. और अब आज के समारोह को संगीतमय कर रहे हैं कक्षा 2 के बाल कलाकार। की सरकारी है, भारत सबकी माता है।
बच्चों, कितना सही कहा है अपनी सुरीली आवाज में कि इसका मान बढ़ाने है तो जीना मरना आता है, क्योंकि देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है। हम उस देश के फूल है यारों, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान से अपनी देशभक्ति कविता के द्वारा व्यक्त कर रहे हैं संत माइकल स्कूल की पहली कक्षा के बच्चे। हम बच्चे आजाद देश के ऐसा कुछ कर जाएंगे, हमें भी लोग युगों युगों तक याद रख पाएंगे। जन्म लिया इस पावन धरती पर, इस धरती का ऋण चुकाएंगे, नया प्रकाश नई रोशनी चारों ओर फैलाएंगे। भ्रष्टाचार गरीबी को मिटाकर देश को तरक्की की राह पे ले जाएंगे। हम बच्चे आजाद देश के ऐसा कुछ कर जाएंगे। पार्टी का बंधन तोड़कर भेदभाव का फट मिटाएंगे। हम बच्चे आजाद देश के ऐसा कुछ कर जाएंगे। धन्यवाद। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी अभिभावकों, शिक्षिकाओं और बच्चों को संत माइकल्स प्राइमरी स्कूल परिवार की तरफ से धन्यवाद। और अंत में, दे सलाम में इस तिरंगे को जिसमें तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना जब तक तन में जान है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।